हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग्स एंड मैं मिस्टर कॉर्न सुचिबा आपका सबको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल बिंग सोल्जर सोल्जर में। इसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि एक सोल्जर छुट्टी में आता है तो क्या क्या करता है और कहाँ कहाँ घूमता है। तो आइए मैं आपको अपना तेजू से रूबरू कराता हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ में जगह जगह पर आपको घूमने का जगह बहुत बढ़िया सा मिलेगा। आइए मिलते हैं, आगे चलते हैं। कितना गहरा तक जाता, गहरा तक जाता पानी में? ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्लेस मेरा बचपन का हुआ करता था और यहाँ मैं जब भी नहाने आता था तो पापा कहीं ना कहीं से तड़पा पड़ता था और मुझे बहुत ही मार पड़ता था। अगर तेजी पर नहाने आए तो यहाँ बहुत बढ़िया जगह है। ये बांध है, बहुत ही गहरा पानी है यहाँ पे। गर्मी का मौसम है और एक टेम्परेचर मेंटेन करना है बॉडी को, तो यहाँ आइए, आपका एकदम वाकई में आपका बहुत ही मज़ा आएगा और नहाने के लिए मज़ा है। आप यहाँ में लेट के भी स्विमिंग कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। बच्चा लोग आगे में पैर के ऊपर से जंप कर रहा है, जिसमें मैंने एक कुछ यूनिक चीज़ देखा है। उसका अंडरवेयर में ऊपर फटा हुआ चश्मा है, तो मैं आज वही दिखाने के लिए आपके जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया जगह है, मुझे अपना बचपन का दिन याद आ गया। मजा आ गया, अभी मैं जा रहा हूँ वापस। बहुत ही बढ़िया जगह है तेजू में ये जगह। इससे पहले मैं शिवाजी नगर में गया था, वहाँ बहुत अच्छा था लेकिन वो थोड़ा दूर था और दूर होने के साथ नदी का नीचे में मतलब पत्थर बहुत था, तो थोड़ा चलने में दिक्कत होता था, नहाते वक्त दाई वाई मारने में तो पैर में लगता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते पानी बहुत ही साफ पानी है, लेकिन भी पानी बहुत ही साफ है और नीचे में कोई पत्थर या कोई लोहा या कोई शीशा का टुकड़ा नहीं मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और काफ़ी ही मेरा माइंड को फ्रेश मैंने कर दिया। और यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, तो मैंने कुछ मछलियाँ भी पकड़ के रखा है अपने पास बोतल में, जाते वक्त मैं घर में लेके जाऊँगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आगे में ये पानी का जो आगे जो है ब्रह्मपुत्र है और काफ़ी ही तेज पानी बहाव है, और वहाँ जाने का गलती मत कीजिएगा कभी। जब भी आप आते हो यहाँ नहाइए, यहाँ यहाँ नहाने में सबसे अच्छा क्या पता है, आप यहाँ पे कूल होकर नहा सकते हो और ज़्यादा कूल भी नहीं होगा, क्योंकि ये चेस्ट लेवल से लेकर आपका ये कमर लेवल तक पानी जो गर्म है, नॉर्मल गर्म है, और नीचे जो है कमर से नीचे जो ठंडा है। इसका ख़ास बात ये है कि इस यहाँ पर मतलब अंडरग्राउंड वाटर भी यहाँ चलता है, तो बहुत ही फ्रेश और ठंडा पानी यहाँ से निकलता है। इस कारण से ये पानी साफ़ है और ठंडा भी है, जिसका वजह से आपको हमेशा
तरोताजा आपको महसूस होगा। और आगे जो है ब्रह्मपुत्र है बहुत तेज से बह रहा है, जो कि बहुत गंदा पानी है, बल्कि दिखाऊंगा अभी इसका जो आगे जो पानी जहाँ जहाँ जाके मिल रहा है वो ब्रह्मपुत्र है, वहाँ बहुत ही बड़ा है, आप वहाँ जाएं। ये है वो किनारा। किसने पकड़ा? पानी बहुत गहरा है। ये जो चिलर पार्टी के बीच में दो निप्पा निप्पी जो बैठा हुआ है, एक हाफ नीली पोजीशन में खड़ा है इसका जो एक्चुअली इयर रिंग गुम हो गया, उसको ढूंढ रहे वो कब से। तो अभी हम नदी जाके नहा लिया, फ्रेश हो गया, काफ़ी ही तरोताजगी फील हो रहा है। और फिलहाल मेरा साथ मेरा भाई लोग अभी है नहीं, वो लोग बाहर में है और कपड़ा चेंज कर रहा है, उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तो चेंज कर लिया। हाँ, और एक बात आप सबको बताना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। मेरा एक फेसबुक फैन है लोहित मास्टर शेफ, जो कि एक नया यूट्यूब चैनल खुला है, जिसका ऑनर है समथिंग किम तायंग बोल के। उसका कंटेंट है कि पकवान तरह तरह के कुकिंग बना के उसमें दिखाता है। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ काइंडली डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिस किम टाइंग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका तरफ से ढेर सारा प्यार दीजिए, और जितना हो सके आप इसको आगे से आगे शेयर कीजिए। और मैंने तो शेयर कर लिया, मैंने तो बेल आइकन भी दबा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब किया, बेल आइकन दबाया। आप भी यही कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसका इस बहन का जो वीडियोस है वो आगे लोगों तक पहुँचे और कुछ लोग उससे सीखें। और उसका चैनल का नाम है लोहित मास्टर शेफ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग उसके चैनल को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल लूँगा उसके चैनल का। तो दोस्तों, आप सबको मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग के साथ, कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल मेरे पास तो अभी तेजी में घूमने का जगह भी है नहीं, और मेरी छुट्टियाँ भी कुछ ख़त्म हो चुका है, उसके बाद तो मैं आपको बस अपना ड्यूटी का समय तो मैं वीडियो बना नहीं सकता, लेकिन भी कोशिश करूँगा कुछ ऐसा वीडियो आपके सामने दिखा सके जो फौजी से भी रिलेटेड हो, वो सिक्योरिटी के खिलाफ भी ना हो। तो मैं आपको इस टाइप का वीडियो मैं आपको बनाऊँगा, ज़रूर बना के दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आप सभी को दिल से थैंक यू, आप सभी ने मेरा वीडियो को अंत तक देखा, मुझे सपोर्ट किया, और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और जो भी नया सब्सक्राइबर है वो तो प्लीज़ मेरा वीडियो का आगे तक शेयर करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।